ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणत क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। श्री रावतपुरा धाम चंबल के बीहड़ में स्वर्ण पुष्प सा नजर आता है। भिंड जिले की लहाड़ तहसील में स्थित ये धाम अद्वितीय है। मुख्य द्वार से प्रवेश करते ही वृक्षों की लंबी कतारें आपको नजर आ जाएंगी। विभिन्न प्रजातियों के पौधे और वृक्ष इस धरोहर को पर्यावरणीय रूप से और भी अधिक समृद्ध बनाते हैं। कई प्रजातियों के पशु पक्षी आपको यहां सहज रूप से विचरण करते हुए मिल जाएंगे। आगे बढ़ने पर नजर आता है भव्य बैकुंठ द्वार, जिसके अंदर मंदिरों की विशाल श्रृंखला में विराजमान है देवी देवताओं के साथ समाज को एक नई दिशा देने वाले महापुरुषों के दिव्य स्वरूप। सनातनी परंपरा के परिचय के साथ ही ये परिक्षेत्र महापुरुषों के स्थापित स्वरूपों के माध्यम से भारतवर्ष की आध्यात्मिक और सामाजिक यात्रा की गौरव गाथा भी सुनाता है। और अब बारी है मुख्य मंदिर की, जहां विराजमान है श्री रावतपुरा हनुमान जी महाराज, जिन्हें हम श्री रावतपुरा सरकार के नाम से जानते हैं। जिनकी विशेष कृपा और आशीर्वाद से धाम का स्वरूप और भी सुंदर और आकर्षक हो जाता है। पार्क के बीचों बीच स्थित ये शिव प्रतिमा अलौकिक है। नंदी महाराज के साथ विराजे भगवान भोलेनाथ का ये विराट स्वरूप रात के समय दूधिया रोशनी में अद्भुत नजर आता है। सुबह शाम सभी मंदिरों में आरती की जाती है। विशेष अवसरों पर जिसका स्वरूप और भी भव्य नजर आता है। अनुष्ठान यहाँ की दिनचर्या का प्रमुख हिस्सा है। सूर्योदय के पूर्व शंख की सुमधुर ध्वनि के साथ शुरू हुआ अनुष्ठानों का ये क्रम देर शाम तक लगातार जारी रहता है, जो धाम के आध्यात्मिक और धार्मिक स्वरूप की परिभाषा देता है। इसके बाद चलते हैं आस्था मंच की ओर, जहां प्रतिदिन होने वाली प्रार्थना सभा में अनुयायी भक्ति रस में सराबोर नजर आते हैं, जहां उन्हें परब्रह्म के साथ एकाकार होने की सुखद अनुभूति का एहसास होता है। मुख्य मंदिर के ठीक सामने पुष्करणी नाम का सरोवर है, जो अपने अंतस में इस पावन धाम की पूरी यात्रा को समेटे हुए है, जिसके आंगन में अठखेलियां कर रही मछलियां प्रकृति के सुंदर स्वरूप के दर्शन कराती है। संस्कार और संस्कृति के बीज यहाँ के संस्कृत विद्यालय में बोए जाते हैं। गीली मिट्टी को एक सुंदर प्रतिमा में परिवर्तित करता संस्कृत विद्यालय और महाविद्यालय विश्व पटल पर अपनी छटा बिखेर रहा है। और अब बारी आती है देवभूमि की। पूरी तरह से ऑर्गेनिक फल और सब्जियों का उत्पादन यहाँ किया जाता है, जो पर्यावरण के दृष्टिकोण से एक सराहनीय पहल है। और आइए अब चलते हैं अन्य क्षेत्र की ओर, जहाँ भोजनशाला में प्रतिदिन संस्कृत विद्यालय के छात्र, संस्थान के कर्मचारी और धाम पर आने वाले आगंतुक भोजन करते हैं। इसी परिक्षेत्र में भक्तों और श्रद्धालुओं की सुविधा को ध्यान में रखते हुए आकर्षक गेस्ट हाउस बनाए गए हैं, जहां दूर दराज से आने वाले भक्त ठहर सकते हैं। इसके अतिरिक्त कामधेनु गौशाला, जो एक शोध संस्थान भी है, बरबस ही आपका ध्यान अपनी ओर खींच लेती है, जहां गायों की सेवा लगातार जारी है। इसके साथ ही गौ अर्क, हर्बल शैम्पू से लेकर हवन सामग्री जैसे कई उत्पाद यहाँ तैयार किए जाते हैं।
पारंपरिक रूप से कपड़े तैयार करने वाली हथकरघा इकाई जो आज के मशीनी युग में लगभग विलुप्ति के कगार पर है, उसे भी एक सम्मानजनक स्थान यहाँ प्रदान किया गया है, ताकि इसके पारंपरिक स्वरूप के संरक्षण के साथ रोजगार का कौशल विकसित किया जा सके। यहाँ से बाहर निकलने पर मुख्य सड़क के किनारे कैंटीन और दैनिक जरूरत के सामान की पूर्ति के लिए कुछ दुकानें संचालित हैं। इतने बड़े परिक्षेत्र में चल रही व्यवस्थाओं को मुख्य द्वार स्थित कार्यालय से संचालित करने के साथ ही सीसीटीवी कैमरों के माध्यम से लगातार व्यवस्थाओं और परिक्षेत्र की मॉनिटरिंग की जाती है। विशेष पर्व के अवसर पर लाखों की संख्या में श्रद्धालु यहां पहुंचकर इस संस्थान और संस्कृति का हिस्सा बनते हैं और इस अवसर पर विशाल भंडारे का आयोजन किया जाता है। परम पूज्य महाराज श्री के सानिध्य में श्री रावतपुरा सरकार धाम धर्म आध्यात्म विज्ञान प्रकृति पर्यावरण के बीच साम्य स्थापित करता एक संगम है, जहां आप जब चाहें जैसे चाहें डुबकी लगा सकते हैं।